कमजोर है तो ये एपिसोड अकेले मत देखना, मैं पहले बोल देता हूं। जी हां, हम लोग खुद चकरा गए कि कौन है ये जो खून पे खून किए जा रहा है, तो दूसरों की तो पूछो मत। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को लाश देख के कुछ नहीं होता, होता है, जरूर होता है, मगर लाश देख के जब डॉक्टर सालुंखे डर जाए तब दो मिनट रुक के सोचना पड़ जाता है, क्या वाकई हम लोग खून करने वाले किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं या फिर खून करने वाले किसी। पहले यह बता देता हूं कि हुआ क्या था। जब पहली लाश हमने देखी तो हम कुछ बोल नहीं सके, सबके मुंह पे जैसे ताला लग गया था, बोले भी तो बोले क्या। लाश पे जो घाव थे वो इतने गहरे और भयानक थे कि हम देखते ही समझ गए कि ये घाव किसी चाकू या दूसरे हथियार से नहीं बने हैं, ये घाव किसी और ही चीज के हैं। और जब डॉक्टर सालुंखे ने बताया कि ये घाव किसी जानवर के दांत के हैं तो सारा केस उल्टा पुल्टा हो गया कि ऐसा भयानक जानवर जब खून करके भाग रहा था तो किसी को दिखा कैसे नहीं, हवा में से तो आया नहीं जानवर, और हवा में तो गायब नहीं हो गया, तो फिर गया तो गया कहां। और घाव इतने भयानक और इतने गहरे थे कि ट्रेडी वगैरह की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हम लोग अभी एक धक्के से संभले ही थे कि दूसरे खून की खबर आ गई। अब तो पक्का यकीन हो गया कि पास के जंगल में से कोई भाग के शहर में आ गया है। लेपर्ड है, भेड़िया है, कौन सा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एक चीज परेशान कर रही थी कि ये जानवर लोगों के घर में घुस के क्यों मार रहा है और लोगों को चुन के क्यों मार रहा है और खून करने के बाद भाग क्यों जाता है, लाश को खाता क्यों नहीं है, लाश को घसीट के क्यों नहीं ले जाता है। आप खुद ही देख लीजिए है कौन सा ये जानवर। जी मुझे वो फिल्म चाहिए थी। कौन सी? जी वो जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है, क्या नाम था उसका? समझ गया मैं, समझदार के लिए इशारा काफी, अभी देता हूँ मैं आपको। ये लीजिए मैडम, ये था ना? जी हाँ। और आपको कौन सी फिल्म चाहिए? जो मैडम की पसंद वो मेरी पसंद। सर इस फिल्म की तो एक ही कॉपी है हमारे पास, आप कोई दूसरी ले लीजिए। नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं डीवीडी ले सकता हूँ? आप तो खामखा नाराज हो गए। खैर छोड़िए, माय नेम इज अमन, मैं आपका पड़ोसी हूँ। पड़ोसी? तो पड़ोसी हुए तो क्या, जबरदस्ती गले पड़ोगे? आप तो वाकई बुरा मान गए। एनीवेज क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पीने चलोगे? देखिए मिस्टर रोमियो, मुझे प्लीज तंग मत कीजिए, मैं शादीशुदा हूँ। तो आपको डर लग रहा है कि कोई देख लेगा? What? Disgusting! देखिए मिस्टर, ये तमाशा यहाँ पे मत कीजिए, समझे आप? तुम तुम्हारा काम करो, समझे? क्या? देखो मेरा हाथ छोड़ो, वरना। वरना क्या करोगी? अमन, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। कौन है भाई? महिमा तुम हो क्या? आजकल के आदमी बिना पता नहीं क्या समझते अपने आपको, अकेली लड़की देखी नहीं कि बस लगे छेड़ने। ये सारा सामान बिखरा पड़ा है। विजय,
चला गया। फ्रिज का सारा सामान जमीन पर? जितने फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब उठाओ। डीएनए सैंपल भी ले लो फ्रेडी। काफी बुरी तरह मारा है। पूरे शरीर पे नोचने खसोटने के निशान है। इसके शरीर के घाव से ऐसा लगता है कि ये किसी बड़े ताकतवर आदमी का काम है। अगर आदमी ने भी मारा है तो मारा कैसे होगा? ये देखो कितने गहरे गहरे घाव है। लगता है उसके नाखून काफी बड़े और लंबे होंगे। महिमा जी, हमें मालूम है आपकी हालत, मगर पूछताछ तो करनी पड़ेगी। आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? हाँ। किसके साथ? अमन। अमन? जी हाँ, अमन हमारे मोहल्ले में ही रहता है। ये अमन तुम्हारे पति को क्यों मारेगा? वो आदमी हमेशा मुझे घूरता था और आज तो हद ही हो गई। उसने बाजार तक मेरा पीछा किया और मुझे छेड़ने लगा। ये जानते हुए कि आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, और वो भी तो शादीशुदा है। फिर क्या किया तुमने? एक थप्पड़ मारा उसे। तो इसीलिए आपको लगता है कि आपसे बदला लेने के लिए उसने आपके पति का खून कर दिया? बॉडी को फोरेंसिक लैब में भिजवा दो, तब तक जरा इस अमन से निपट के आते। हम लोग सीआईडी से हैं। अमन है घर में? अमन? लेकिन अमन ने किया क्या है? आप कौन है? मैं अमन की पत्नी। क्या अमन है घर में? लेकिन अमन ने किया क्या है? रेडी हुए? अच्छी तरह चेक करो घर में। आपको मालूम है कि आपके पड़ोसी विजय का खून हो गया? ओह माय गॉड, महिमा के हस्बैंड का खून हो गया? जी हाँ, और हमेशा कह के उसका खून आपके पति ने किया है। क्या, ये आप कैसे कह सकते हैं? चल चल सब। कहाँ छुपे हुए थे ये जनाब? बाथरूम में। ऐसे बाथरूम में? मीनाक्षी, ये सब झूठ है। तुमने, तुम्ही ने मारा मेरे पति को। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरे पति का खून कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे पति को मार दिया। महिमा, महिमा ये क्या कर रही हो? मीनाक्षी, तुम्हारा पति कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा था, आज तो इससे हद ही कर दी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? बाजार में सबके सामने इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, गुस्से में आकर मैंने इसे थप्पड़ मार दिया, और उसका बदला लेने के लिए इसने मेरे पति का खून कर दिया। क्या ये सच कह रही है? हाँ मीनाक्षी, लेकिन मैंने तो इसे सिर्फ कॉफी के लिए पूछा था। एक मिनट, तुम्हारे गले में ये निशान कैसा है? वो मैं बाथरूम में गिर गया था। बाथरूम में गिर गया था? बाथरूम में गिरने से ऐसा निशान आता है? ये निशान तुम्हें तब लगा जब तुम विजय का खून कर रहे थे। विजय के नाखून का निशान है ये। सर, सर आप ये क्या कह रहे हैं? पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा ये खून तुमने किया या नहीं। रेडी,
इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। चलो सर, चलो सर, मेरी बात तो सुनिए सर। सर क्या हो रहा है डॉक्टर, तारिका कुछ पता चला? इस लाश पे एक एक डेढ़ डेढ़ इंच गहरे घाव है और कहीं कहीं काटने के निशान भी है। सुना? हाँ हाँ सुन लिया। आपने देखे होंगे ये घाव? हाँ देखे थे। तो आपको कुछ तो अंदाजा हुआ होगा किसने मारा इसे? सर हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। नहीं दया, कोई फायदा नहीं किसी को गिरफ्तार कर। क्यों? क्योंकि जिसने भी इसे मारा है वो इंसान नहीं। आओ देखो, जिसने इसका मर्डर किया उसके दांत ऐसे होंगे। ये तो किसी जानवर के दांत लगते हैं। जी इस गांव के अंदर खूनी का थूक गिरा होगा, सलाइवा। हमने अमन को यहाँ बुलाया है, उसका सलाइवा लेते हैं और डीएनए मैच करके देख लेते हैं। कोई फायदा नहीं है मुझे। आप करके देखिए तो सही। मैं कह रहा हूँ ना कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? क्योंकि जिस किसी ने भी इसे मारा है वो इंसान नहीं। जानवर कैसे खून कर सकता है, वो भी घर के अंदर घुस के? जानवर ने नहीं मारा तो तुम बताओ किसने मारा है इसे? ये देखो, जगह जगह पर बड़े बड़े गहरे गहरे घाव, पूरी बॉडी को भयानक तरीके से चीर फाड़ देना और जगह जगह से काट डालना। ये जानवर ने नहीं किया तो किसने किया है? फ्रेडी, मुंह चेक करो इसका, देखो इसके दांत। मुंह खोलो अपना, मुंह खोलो। देखो टाइम बर्बाद मत करो, मुंह खोलो अपना। अरे सर, इसके दांत तो जानवर जैसे नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ खूनी कोई और ही है। और गले में ये जो निशान है इसका क्या? सच सच बताओ ये निशान कैसे आया? बाथरूम में गिरने से ऐसे निशान नहीं आते। मालूम नहीं। मालूम नहीं? सो रहा था जब ये निशान लगा तुझे, हैं? मैंने मारा है इन्हें। आपने मारा? हाँ, मैंने इन्हें उस औरत को छेड़ते हुए देख लिया था, इसलिए घर जाकर काफी पिटाई की इनकी। सबके सामने तो मत बोलो। महीने में एक दो बार तो मैं इन्हें मारती ही रहती हूँ, कितना कहती हूँ लेकिन फिर भी नहीं सुधरते, औरतों को छेड़ते ही रहते हैं। ओ अच्छा 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 अच्छा, सुना फ्रेडी, कितना प्यार करती हैं अपने हस्बैंड से? ये तो कुछ भी नहीं है सर, मेरी वाइफ तो इससे भी ज्यादा प्यार करती है मुझसे। अच्छा, हेलो, क्या एक और खून? कहां पे? इसे भी विजय की तरह काफी बुरी तरह मारा गया। घाव देखे इसके? बहुत गहरे हैं, बिल्कुल विजय की तरह। लगता है दोनों को एक ही मर्डर वेपन से मारा गया है। मतलब दोनों खून किसी एक ही आदमी की है? ऐसा हो सकता है, मतलब लग तो ऐसा ही रहा है। वो बहुत ताकतवर था। कौन? कौन ताकतवर था? जिसने खून किया अमित का। आपने देखा है? हैं? कौन था वो? भेड़िया जैसा। भेड़िया ने? मतलब वुल्फ? आप कह रही है कि इसे किसी जानवर ने मारा है? उसके दांत लंबे लंबे थे, वैम्पायर के जैसे। उसके हाथ भी पूरे बालों से भरे हुए थे, चेहरे पे बाल ही बाल थे। सुना? लगता है बॉयफ्रेंड की मौत का सदमा लगा इसे। सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ है। इस जानवर ने आपकी आंखों के सामने मारा इसे? हाँ, मैं और अमित टीवी देख रहे थे, अचानक घंटी बजी। अमित दरवाजा खोलने के लिए गए, फिर मुझे उनके चिल्लाने की आवाज आई। मैं भागकर दरवाजे के पास गई, मैंने देखा भेड़िया मेरे सामने ही था। उसने मेरे सामने अमित को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं उसके ऊपर झपटी और उसके बाल खींचने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं आए। वो बाल असली थे, वो भेड़िया भी असली था। मुझे खुद अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने अमित का खून किया और सच छुपाने के लिए ये छोटी कहानी बता रही है? सर नहीं लग रहा है मुझे भी। देखो रुचिका, अगर तुम कोई कहानी वानी बना रही हो ना, तो सच कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा।
ने जो कुछ भी कहा है वही सच है। भेड़िए जैसे आदमी ने ही अमित का खून किया है। ठीक है, फिर चलो और स्केच बनवा, देखें तो सही दिखता कैसा है वो। उसके दांत लंबे लंबे थे और हाथ भी पूरे बालों से भरे हुए थे। अच्छा, और चेहरा तो दिखाई ही नहीं दे रहा था, सारा का सारा बालों से ढका हुआ था। ऐसा ही था ना? हाँ हाँ, ऐसा ही था, वो बिल्कुल यही था। तो ऐसा दिखता था वो। सर, है तो ये भेड़िया ही आदमी की तरह चलना सीख गया होगा। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे अमित को मार दिया। क्या पता चला? अभिजीत, ये जो दो खून हुए हैं इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। एक तो इंजीनियर है तो दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक शहर के इस कोने में रहता है तो दूसरा उस कोने में। सर, ये किसका स्केच है? यही है वो जो सबको मार रहा है। ओह, ये है वो। हाँ डॉक्टर सालुंखे। अमित के शरीर पर जो घाव मिले हैं वो ठीक वैसे ही है जैसे विजय के शरीर पर थे। मतलब एक ही चीज से मारा गया? हाँ, एक ही चीज से और एक ही तरीके से। एक ही तरीके से मारा है तो इसका मतलब एकदम साफ है ना? बिल्कुल, दोनों को मारने वाला आदमी एक ही है। एक ही आदमी ने किया है शायद। अमित के घाव में से मुझे एक चीज और मिली। घाव के अंदर से? हाँ, घाव के अंदर से। बाल तो थोड़ा मोटा है दूसरे बालों से। उस भेड़िए का ही होगा सर, रुचि का सच बोल रही है। अब जी, शायद खूनी ने ऐसा कोई कॉस्ट्यूम पहना होगा जिसपे इस तरह के बाल लगे होंगे। नहीं दया, ये बाल किसी कॉस्ट्यूम से नहीं आया, ये एक इंसान का बाल। क्या मतलब, खून कोई इंसान ही कर रहा है? बिल्कुल, इतनी बेदर्दी से जानवर की तरह। जी हाँ, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तरह के अजीब बाल एक आदमी के शरीर पे, क्या मैंने काफी पहले सुना था। कभी कभी ऐसे आदमी भी पाए जाते हैं जो भेड़िए जैसे दिखते हैं, जो जिनके शरीर पे बड़े बड़े बाल भी होते हैं। सुना तो मैंने भी है, पर ऐसा तो जंगल में ही हो सकता है। मतलब ऐसा कोई इंसान है भी तो वो तो जंगल में ही मिलेगा। शहर के बीचों बीच भेड़िए जैसे दिखने वाला इंसान जरा मुश्किल है बस। मतलब कोई आदमी जानवर की खाल पहन के ये खून कर रहा है, और क्या हो सकता है। यूरेका, मिल गया सर। क्या मिला? उस बीमारी का नाम सर। तो बाल वाली बीमारी? यस सर, ये देखिए। हाइपरट्राइकोसिस? जी सर, किसी किसी आदमी को ये बीमारी हो जाती है सर, और पूरी की पूरी बॉडी पे बड़े बड़े बाल उगने लगती है सर। इसी को हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। इस बीमारी में शरीर पर इतने बड़े बड़े बाल उगाते हैं कि आदमी एकदम भयंकर दिखाई देता है। अरे तो चेहरे पे भी बाल आते हैं क्या? हाँ आते हैं ना फ्रेंड, और बाल इतने लंबे आते हैं कि यहाँ तक लटक जाते हैं, और आदमी एकदम वेयरवुल्फ जैसा दिखाई देता है, वो भेड़िए जैसा। ये तो बड़ी अजीब बीमारी है, आज तक सिर्फ सुना ही सुना था। अभिजीत, मैंने भी ऐसा केस पहली बार देखा है। ये बहुत ही रेयर बीमारी है, हर किसी को और हर रोज तो नहीं हो सकती है। सर, इसका मतलब ये है कि खूनी जो कोई भी है उसे हाइपरट्राइकोसिस है, और वो वाकई में एक वेयरवुल्फ की तरह दिखता है। हो सकता है। मतलब जिस किसी को भी ये बीमारी होगी वो हमेशा छुप के बैठा रहेगा, कभी सामने तो आएगा नहीं, है ना? तुम्हारी बात एकदम ठीक है अभिजीत, लेकिन दवा वगैरह के लिए और खाने पीने के लिए तो कुछ करता होगा, और इस आदमी ने कभी ना कभी तो अपना इलाज जरूर करवाया होगा। तो फिर हमें सभी डॉक्टरों के यहाँ जाके पता करना चाहिए कि ऐसा कोई पेशेंट उनके पास कभी आया था क्या। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। व्हाट, कहाँ पे? ठीक है, हम लोग आते हैं। लगता है एक और खून कर दिया इस भेड़िए ने। दरवाजा तो खोला है।
घर तो खाली है, तो फिर फोन किसने किया? लगता है किसी ने मजाक किया है हमारे साथ। मजाक किसे प्रेडी, घर को अच्छी तरह से चेक करो। खून दे, खून एक एक ऊपर ऊपर से टपक रहा है। Oh my God! आपने फोन किया था? क्या आपके पति हैं? क्या आप बता सकती है कि आपके पति को किसने मारा? आप हंस रही हैं? आपके पति की मौत हो गई है और आप हंस रही हैं? अच्छा हुआ मार दिया इसे। ये दिन रात मुझे मारता था, जलती हुई सिगरेट से मुझे जलाया करता था। पहली बीवी को तो दहेज के लिए मार ही दिया था उसने, मेरा नंबर भी आने ही वाला था। तो आपने मारा इसे? भेड़िये ने, वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ मतलब भेड़िये जैसे दिखने वाले आदमी ने? हाँ। आपने देखा उसे? देखा ना, मेरे आंखों के सामने उसने ध्रुव को नोच नोच के मार डाला। तो इसे भी भेड़िया नहीं मारा है। सब एक बहुत बड़ी चीज पता लगी है सब। अरे दो होनार अफिसर गए हो काम पे तो कुछ बड़ी खबर लेके आएंगे ना, क्या बात है? सब मरने वाले तीनों के तीनों अच्छे आदमी नहीं थे सब। क्यों, क्या क्या था इन लोगों ने? तीनों के तीनों आदमी अपनी वाइफ को मारते थे। फिर तुम कह रहे हो कि विजय अपनी वाइफ को मारता था? यस सर। मगर उसकी वाइफ तो महिमा थी और वो विजय से काफी खुश थी, है ना विजय? हाँ, अगर उसे कोई शिकायत होती तो वो हमसे जरूर बोलती। नहीं नहीं सर, महिमा उसकी दूसरी पत्नी है सर, पहली पत्नी तो कब की ऊपर जा चुकी है और शायद विजय ने ही उसे ऊपर पहुंचाया सर। और ये अमित सर, इसकी भी पहली पत्नी मर चुकी है। हाँ सर, इन तीनों के ऊपर कोर्ट में केस चला था सर। तीनों के तीनों अपनी वाइफ को तंग करते थे सर, उनसे डाउरी मांगते थे सर, और शायद दहेज की वजह से ही तीनों की तीनों मर गई सर। ओ, तो इन लोगों को सजा हुई थी कोर्ट से? नहीं सर। अच्छा 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 अच्छा, तो ये चक्कर है, तीनों के तीनों कोर्ट से छूट गए थे, तो शायद किसी ने ऐसे लोगों को सजा देने का फैसला कर लिया है। या तो ये कोई सोशल वर्कर हो सकता है या कोई लड़की भी हो सकती है। लड़की हो सकती है सर, जिसे उसके पति ने या सास ससुर ने बहुत तकलीफ दी होगी। किसी की बहन भी हो सकती है, किसी ऐसी लड़की की बहन जिसे दहेज के लिए मार दिया गया हो। विवेक, हमें उन लोगों के नाम पता चले क्या जिन्हें बड़े बाल होने की बीमारी है? नहीं सर, अभी तक किसी डॉक्टर का जवाब नहीं आया है। अभिजीत, अगर हम ये सोच के चले कि कोई किसी लड़की की मौत का बदला ले रहा है, तो फिर वो लड़की या लड़का इस बड़े बाल वाले के पास जो भेड़िए जैसा है उसके पास कैसे पहुंचा होगा? कहीं ना कहीं से तो ढूंढ के निकाला ही होगा ना उसे। कैसे पहुंचा होगा, कैसे बात की होगी, और ये भेड़िया था कहां अभी तक? विवेक, ये विजय की पहली वाइफ की फैमिली है यहाँ पे? हाँ सर, नंदिता की फैमिली यहीं पे है। गुड, चलो मिलते हैं उन लोगों से। ये लोग सीआईडी से आए। नहीं नहीं, बैठे रहिए आप प्लीज। आप लोग नंदिता के माता पिता हैं? जी। पर आप लोग नंदिता को कैसे जानते हैं? एक्चुअली विजय का खून हो गया है। क्या हो गया? विजय का खून हो गया? जी, आप लोग विजय को जानते हैं ना? उसे कैसे भूल सकते हैं हम लोग, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। नंदिता और विजय की शादी हमने करवाई। सुना काफी दहेज बहेज मांगता था वो बार बार। हाँ, उसी वजह से उस राक्षस ने हमारी बेटी का खून कर दिया।
कहां से लाते हम इतने पैसे? कोर्ट से भी इंसाफ मांगा हमने, मगर वहां से भी कोई इंसाफ नहीं मिला। मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, विजय को उसके पापों की सजा मिली है। किसने किया उसका खून? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने किया। आपके घर में और कौन कौन है? मेरा मतलब है, नंदिता का कोई भाई या बहन थी? नंदिता ही इकलौती बेटी थी हमारी। नंदिता का कोई दोस्त वगैरह? जी नहीं, वो तो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। अच्छा, आपके रिश्तेदारों में किसी को ये बीमारी थी? सॉरी, बुरा मत मानिएगा, ये हाइपरट्राइकोसिस नाम की बीमारी है किसी को? हाइपरट्राइकोसिस? ये क्या होता है? ये एक बीमारी का नाम है, आप इसे जानते हैं? इसका चेहरा तो बालों से ढका हुआ है। इसी बीमारी की बात कर रहे थे। ऐसा भयानक चेहरा हमने आज तक नहीं देखा। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। जी, यहाँ ये और उस तरफ ध्रुव की पहली पत्नी इंडिया से बाहर है, और अमित की पहली बीवी सिमरन, उसके परिवार में भी कोई जिंदा नहीं है सर। फिर ये खून कर कौन रहा है? सर, दो लोगों के नाम मिले जिन्हें ये बाल बड़े होने की बीमारी है सर। दोनों आदमी? हाँ सर, एक 40 साल का आदमी और दूसरा एक 10 साल का बच्चा है सर। क्या, 10 साल का बच्चा? 10 साल का नहीं है सर, अब ये 22 साल का है। तो फिर विवेक 10 साल क्यों बोला? ये ना, ये सब उल्टा पुल्टा करता रहता है सर। 12 साल पहले ये 10 साल का था और तब से गायब है। ओके, इसका मतलब खूनी इन दोनों में से कोई है। एक मिनट बॉस, एक मिनट, ये देखो, यहाँ लिखा है 40 साल वाला आदमी 5 साल पहले मर चुका है, तो अब तो सिर्फ यही बचा है, ये 22 साल का बच्चा। इस बच्चे का भी एड्रेस है यहाँ पे, उसके घर चल के देखते हैं, कम से कम ये तो पता चलेगा कि बच्चा भी है कहाँ। इसे पहचानते हैं आप? ये कहाँ मिला आपको? नहीं, ये मिला नहीं है अभी तक। तीन तीन खून किए हैं इसने। तीन तीन खून? ऐसा लगता है आप इसे जानते हैं, हाइपरट्राइकोसिस की बीमारी है इसे। ठीक है, अगर ये पकड़ा नहीं गया तो ये और खून करेगा। हे भगवान, ये तो अगर नहीं, अब मुझे चुप नहीं रहना चाहिए सर। ये मैं हमारा बेटा मोहन है। ये आपका बेटा है? हाँ, उसे हाइपरट्राइकोसिस की बीमारी थी। इस वक्त कहाँ है आपका बेटा? मालूम नहीं। मालूम नहीं? कैसे मालूम नहीं? आपका बेटा आपको मालूम नहीं? जी, वो अब हमारे साथ नहीं रहता है। तो फिर किसके साथ रहता है वो? देखिए, बहुत साल पहले हमने उसे रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ दिया था। क्या, छोड़ दिया ऐसे ही? जी हाँ, उसकी इसी बीमारी की वजह से हमारा उठना बैठना मुश्किल हो गया था, इसीलिए जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आकर हमने फैसला किया कि हम अपनी जिंदगी अपने बेटे के बिना ही काटेंगे, और उसी वक्त उसे स्टेशन के बाहर छुड़वा दिया हम लोगों ने। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमने अपने पापों की सजा भुगत ली है। जब हमारी बेटी मेघना को यह पता चला तो वो हमें छोड़ के चली गई। मेघना कहाँ गई वो? पता नहीं कहाँ होंगे, उसके बाद मिले ही नहीं वो दोनों। मोहन और मेघना की उम्र क्या होगी अब? मोहन करीब 22 साल का और मेघना 27 साल की। मोहन और मेघना, देखा, अब एक लड़की भी आ गई बीच में। ये दोनों मिलके कर रहे हैं, मिलके, ये लड़का और उसकी बहन दोनों मिलके कर रहे हैं, या फिर ये लड़की अकेली कर रही है। पर सर, जिसने भी देखा उस भेड़िये को खून करते हुए, उसने ये नहीं कहा था कि उसके साथ में एक लड़की भी थी? हो सकता है सर कि ये लड़की ही खून करवा रही हो और चुपके से आसपास ही कहीं खड़ी हो। ये भी तो हो सकता है कि लड़की खुद अकेली कर रही हो। सर, पर खूनी के चेहरे पे और पूरे शरीर पे बाल ही बाल है सर। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कहना मुश्किल है, खूनी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, दोनों हो सकते हैं। सर, हम लोग जब उस लड़की के घर पे गए थे तो आसपास वालों ने हमें नहीं बताया कि उस लड़की को ये बीमारी थी और उसके चेहरे पे इस तरह के बाल निकले हुए थे सर। 12 साल पहले नहीं थी, 12 साल में तो हो सकती है ना, जेनेटिक बीमारी अब आ गई होगी। सर, कोई ना कोई इलाज होगा ना इस बीमारी का, कोई मेडिसिन या कोई दवाई तो खाते होंगे ये लोग बीमारी के दौरान। ठीक है, इंटरनेट पे चेक करो, पता करो इस हाइपरट्राइकोसिस में कौन सी दवाई लगती है। ओके, यस सर। दया, जैसे ये बीमारी रेयर है, करोड़ों में एक लोगों को होती है, वैसे इसकी दवाई भी रेयर होगी ना,
हर जगह नहीं मिलती होगी। हाँ ये बात तो है। तो मिल गया। कौन सी दवाई है? क्राइमोनिसिन सर, दवाई का नाम। क्राइमोनिसिन? जी सर, ये दवाई सारी दुकानों में नहीं मिलेगी सर, इसे बाहर के देशों से ऑर्डर देके मंगवाना पड़ता है सर। तो जल्दी से पता करो शहर में कितनी दुकानें हैं जहाँ पे ये मेडिसिन मंगाई जाती है बाहर से, तो खूनी कभी ना कभी तो आएगा दवा लेने के लिए। हाँ ठीक, ओके। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी कोई प्रॉब्लम है भी और नहीं भी? हम सिर्फ ये पूछने आए हैं कि क्राइमोनिसिन नाम की दवाई आपके यहाँ मिलती है? क्राइमोनिसिन जी मिलती तो है, लेकिन ये मेडिसिन मुझे ऑर्डर देके मंगवानी पड़ती है। अगर आपको चाहिए तो मैं ऑर्डर देके मंगवा सकता हूँ, लेकिन सर 10 दिन लगते हैं। आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो आपके यहाँ से क्राइमोनिसिन खरीदता है? जी हाँ, मैंने उसके लिए ऑर्डर दिया है, उसकी दवा अभी गई है। कौन है? कौन है वो आदमी? जी ये तो नहीं मालूम। ऐसा कैसे हो सकता है मालूम नहीं? उसके लिए ऑर्डर करते हो, दवाई मंगवा के देते हो और बोल रहे हो कि मालूम नहीं? जी वो खुद नहीं आता, किसी और को भेजता है। किसको किसको भेजता है वो? ये मुझे नहीं मालूम यार, हर बात में मालूम नहीं। देखिए भाई साहब, ये खून का मामला है, समझे? खून? हाँ खून। ठीक से याद करके बताओ कौन है। जी आज वो आने वाला है। आने वाला है? जी हाँ, क्योंकि उसे पता है कि दवा आ चुकी है। अब सर 3 घंटे हो गए सर। तो क्या हुआ? तो होना क्या है? मुझे मालूम है 3 घंटे हो गए पेट्रिक्स। सर मैंने तो ऐसे ही बोल दिया सर, आई एम सॉरी। किस बात के लिए? अरे बोल दिया तो बोल दिया। साइकिल वाला हो गया गाना वाना है? अरे आप लोग कौन? हम तो भैया सीआईडी से। मैंने क्या किया साहब? कुछ किया नहीं है तो घबरा क्यों रहा है? अब जल्दी जल्दी बोलो, चक्कर क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। वो भेड़िया कहाँ छुपा के रखा है? भेड़िया? कैसा भेड़िया? फोन करने वाला भेड़िया जिसके लिए तुम ये दवाई यहाँ लेके आ रहे हो। वो? हाँ वो। वो तो क्या वो है? वो तो क्या खड़ा रहे? समझा हालत खराब कर दूंगा तो। मैंने सब कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? वो घर में है सब। घर में कौन? साहब है अभी घर में। हाँ चलो तुम्हारे साहब से मिलना। चलो मेरा नाम मत लेना साहब। चलो तो सही साहब, मैंने तो उनका चेहरा भी कभी देखा नहीं साहब। क्या चेहरा नहीं देखा? हाँ साहब, बस आवाज सुनिए। चाबी दो, चाबी दो। लाइट ऑन करो। यहाँ पर लाइट नहीं साहब। टॉर्च देखा?
सर कौन है वहां पर? मैं हूं साहब, रामू। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? ट्रैफिक में फंस गया था साहब। ये कौन खांस रहा है? रामू तुम्हारे साथ कोई और भी आया है क्या? नहीं साहब, मैं अकेला हूँ। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा साहब, आपका नमक खाया है। देखो मेरे से कभी झूठ मत बोलना वरना अच्छा नहीं होगा। देखो मोहन, इसकी कोई गलती नहीं है। ये किसकी आवाज है और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? चुप के क्यों बैठे हो? सामने क्यों नहीं आते? ध्यान से, यही कहीं चुप के बैठा हुआ है। साथ दहेज नहीं ला सकी इसलिए उसे जला कर मार दिया, जिंदा जला दिया उसे। तो बदला लेने के लिए तुमने उसे मार दिया? मगर तुमने बाकी लोगों को क्यों मारा? मेरी बहन की तरह किसी और बहन को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़े, इसलिए मैं उन सब लोगों को मार दूंगा जो अपनी पत्नी को मारते हैं। और वैसे भी मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत पहले ही ठुकरा दिया था। हमें माफ कर दो बेटा। हो सके तो हमें माफ कर दो बेटा। हाँ। मेरे लिए तो आप लोग उसी दिन मर चुके थे जिस दिन आप लोगों ने मुझे स्टेशन पर छोड़ा था। हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं मोहन, लेकिन खून करना एक अपराध है और तुमने तो तीन तीन खून किए हैं। फांसी होगी तुम्हें।